हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आनंद और उल्लास का पर्व होली आने को है और पूरे देश में किसी ना किसी रूप से मनाया जाएगा। दोस्तों, बंगाल में इस दिन श्री कृष्ण की प्रतिमा को झूला झुलाने का भी विधान आता है और भविष्योत्तर पुराण का संबंध वसंत ऋतु के आगमन से कर दिया गया है। वास्तव में होलिका हेमंत यानी पतझड़ के आगमन की सूचना देती है और बसंत की प्रेममयी कामलीलाओं की द्योतक है। मस्ती से भरे काने, रंगों की फुहार, संगीत बसंत के आने से उल्लासपूर्ण समय का परिचय देता है, जो रंग से भरी पिचकारियों और अबीर गुलाल के आपसी आदान प्रदान को प्रकट करती है। और दोस्तों, बहुत सारी जगह अपने अपने तरीके से इस खूबसूरत दिन को मनाया जाता है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि रंग आपको जरूर खेलना चाहिए। इस दिन रंग खेलने से जीवन में खुशियों के रंग आते हैं, घर से मनहूसियत दूर होती है। अगर आप घर से बाहर जाकर होली नहीं खेलना चाहते हैं तो अपने घर में अपने रंग रसिया कृष्ण कन्हैया के साथ होली खेलें, लेकिन खेलें जरूर। सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके लाला को यानी कि भगवान को, अपने अपने देवी देवता को थोड़ा सा रंग चढ़ा दें और फिर देखें ये खुशियों का रंग आपके जीवन में कैसा चढ़ता है। जब एक दिन पहले होली जलाई जाएगी, रात के समय होलिका दहन होगा। इस बार होलिका दहन का समय आपको मैं बता दूं, 1 मार्च को है, 6:16 से 20:47 यानी रात में 8:47 तक। 2.5 घंटे का मुहूर्त रहेगा और पूर्णिमा तिथि आपकी आरंभ हो रही है 1 मार्च को मॉर्निंग में ही 8:57 से और पूर्णिमा तिथि आपकी समाप्त हो जाएगी 2 मार्च को सुबह 6:21 तक। रंग वाली होली जो है वो आपको 2 तारीख को खेली जाएगी। जब होलिका जलाई जाएगी 1 तारीख को, उसमें आपको ज़रूर भाग लेना चाहिए। अगर किसी वजह से आप रात में होली जलाने के टाइम शामिल नहीं भी हो पाए तो अगले दिन सूरज निकलने से पहले आपको जलती हुई होली के पास जाकर के 3 परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। आप चाहें तो होली में अलसी डालें, मटर डालें, चना गेहूं की बालियां डाली जाती है वो डालें और गन्ना यूज़ कर सकते हैं। इसमें से जो कुछ भी मिल जाए उसे होली की अग्नि में ज़रूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें, परिवार के जितने सदस्य हैं उनको पैर के अंगूठे से लेकर हाथ को सिर से ऊपर पूरा कर लें। क्या करेंगे आप? पैर के अंगूठे से लेकर के हाथ के सिर से ऊपर तक ले जाएं और कच्चा सूत नाप लें। नीचे से अंगूठे से लेके हाथ ऊपर करके इतना लंबा, अपनी लंबाई के अनुसार कच्चा सूत ले लें और उसको आपको होलिका दहन में डालना चाहिए। अगर आप गरम होली नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम होली की विभूति जो होती है यानी कि भस्म या राख जिसको कहते हैं वो घर लाएं और सारे पुरुषों को इस भस्म को मस्तक पर और महिलाओं को अपने गले में लगाना चाहिए। इससे ऐश्वर्य बढ़ता है, मान और सम्मान बढ़ता है। होली के दिन आपको दाम्पत्य भाव से जरूर रहना चाहिए। बाकी दिन बोलते हैं सन्यासी भाव से रहें, लेकिन होली के दिन दाम्पत्य भाव बहुत जरूरी होता है और होली के दिन मन में किसी भी प्रकार की शत्रुता का भाव किसी के लिए भी आपको नहीं रखना चाहिए। इससे साल भर आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी। बहुत सारे मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगी कौन सी राशि वाले कौन से रंग से और कौन से इत्र के साथ, आपको इस बार ध्यान रखना है, अपने रंग में इत्र भी थोड़ा सा जरूर मिलाना है। और ध्यान रखें, कुछ ऐसे काम हैं जो होली के दिन आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रख लें, होली की रात्रि 4 पुण्यपद रात्रियों में आती है, महारात्रियों में आती है और होली की रात आपको जागरण करना, जप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऋतु परिवर्तन होता है इसलिए 10-20 दिनों में नीम के 15 से 20 कोमल पत्ते आप ले लें और 2 काली मिर्च ले लें और इसको खाने से साल भर आरोग्य दृढ़ रहता है। जो लोग इस दौरान 15 दिनों तक बिना नमक का भोजन करते हैं उनकी आयु और प्रसन्नता में बढ़ोतरी होती है। होली के बाद खजूर खाना मना होता है, इससे मनुष्य के रक्त में संचार बढ़ जाता है और फिर कई तरह की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होना पड़ता है। बाजारू केमिकल से युक्त रंगों के बदले पलाश के फूलों के रंग से खेलें, प्राकृतिक रंगों से होली खेलें, अपने घर में होली के रंग बनाएं।
मेहंदी पाउडर के साथ आंवले के पाउडर को मिला दें और भूरा रंग बनता है। 4 चम्मच बेसन में 2 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें, इससे अच्छा पीला रंग बनता है। बेसन के स्थान पर आटा, मैदा, चावल का आटा, आरा रोट या मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं और 2 चम्मच हल्दी पाउडर 2 लीटर पानी में डालकर अच्छी तरह उबालने से गहरा पीला रंग प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत तरह से रंग तैयार होता है, मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी कैसे कैसे आप घर पर रंग बना सकते हैं। इस बार आपको ऑर्गेनिक कलर्स से घर में कलर्स बना करके ज़रूर खेलने चाहिए। कुछ खास चीज़ें होती है दोस्तों जो इस दिन आपको नहीं करनी चाहिए। हर त्यौहार पे कहते हैं बुराई ना करें, चुगली ना करें, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, उस दिन सुबह सुबह आपको जल्दी सो करके उठना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए, दोपहर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्ति पैदा हो जाएगी और घर में जो सुख और शांति है उसका नाश हो जाएगा। अब मेरी ये बात सुनकर ऐसा ना हो कि घर पे कोई देर तक सो रहा है, आप उसके ऊपर चढ़ जाएं और फिर घर में आपकी लड़ाई हो जाए। घर में सुख शांति बनाकर रखें। होली के दिन घर में साफ सफाई करें, भगवान की पूजा करें। होली के दिन घर में अपशब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसा करने से घर की शांति भंग होती है, धरित्री का आगमन होता है। होली के दिन लोगों को सम्मान करें, उनसे अच्छा बर्ताव करें, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो। अगर वो आपके घर होली मनाने आते हैं तो उनको कुछ नहीं कहना, थोड़ा सा रंग शगुन का लगवा लें, बाकी जाने दें। होली के दिन नॉनवेज खाने की बहुत स्ट्रिक्ट मनाही होती है। मुझे पता है कुछ लोग उत्सव उसी को समझते हैं जिनका फूड होता है नॉनवेज, तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगी दोस्तों। आप खाते हैं तो ठीक है, बाकी अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो जीव मारना, जीव हत्या करना पाप माना गया है और किसी भी प्रकार के मांस मछली आदि खाने से माना जाता है कि भगवान का कोप और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। होली के दिन आपको घर में मीठे पकवान बनाने चाहिए। बाहर से कुछ मिठाई लाएं, अगर घर में नहीं बनाना आता है, भगवान को भोग लगाएं, खुद खाएं और मेहमानों को अपने घर इनवाइट करें, उनको बुलाएं और उनको भी खिलाएं। होली जब जल जाती है उसमें थोड़ी आग अपने घर लेकर के आनी चाहिए और घर में गोबर के उपलों से उसमें और आग आपको ऐड कर देनी चाहिए और थोड़ी सी नारियल की गिरी, गेहूं की बालियां, ये सब चीज़ें एक पार्टी जैसे करें अपने घर पे, जो लॉन है या बालकनी है वहां बैठ जाएं इस तरीके से और थोड़ी सी गेहूं की बालियां अपने घर में भूनिए और उसको खा लीजिए। ऐसा करने से आपको दीर्घ आयु होते हैं, मान सम्मान मिलता है और माना जाता है घर से बीमारियां, रोग आदि दूर होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये उपाय होली की रात में आपको होली जलने के बाद करनी चाहिए या फिर सुबह सूर्य उदय से पहले करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे घरों पे पापड़ सेकते हैं, वो झरिया होता है चालनी, उससे लाते हैं थोड़ी सी गरम गरम अग्नि और उसको घर में लाके किसी मिट्टी के गमले में डाल दिया जाता है और फिर उसमें पापड़ सेका जाता है। होली के दिन अपने मन में किसी भी मनुष्य के प्रति कोई शत्रुता या जलन भावना आपको नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गलत दृष्टि रखने से अधोगति यानी शुतु हो जाती है। होली के दिन अपने सभी संबंधियों को होली की शुभकामनाएं जरूर दें, उनको अपने घर पर आपको आमंत्रित करना चाहिए। होली के दिन किसी से भी भूल कर भी कर्ज या पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी है, उनका नाश होता है और घर पे गरीबी आती है। अगर लेना देना करना है तो या एक दिन पहले करें या एक दिन बाद में करें, सेम उसी दिन आपको नहीं करना चाहिए। और होली के दिन आपके घर में जो भी धन है उसकी आपको पूजन जरूर करना चाहिए। उस पर अक्षत और होली के थोड़े से राख, जो होली जल जाएगी उसके बाद की थोड़ी सी राख लेकर के अपनी तिजोरी और पैसों पे, अपने धन के स्थान पे आपको जरूर छिड़कना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, एक काम जो अक्सर हम कर बैठते हैं वो है शेविंग आदि। उस दिन कलर लग जाते हैं तो लोग धड़ाधड़ शेविंग करने लगते हैं, हेयर कट करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। होली के दिन आपको भूल करके भी बाल नहीं कटवाने हैं, शेविंग नहीं करनी है। ऐसा करने से आपको कई प्रकार की पीड़ा और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। थोड़े से उबटन बनाएं, उससे अपने शरीर पर रगड़ रगड़ के नहाएं, रंग खेलने के बाद
पानी में थोड़ा सा गुलाब जल, केवड़े का जल मिलाएं, उससे स्नान करें और फिर देखें अपने अपने फैमिली के साथ इस होली को, त्यौहार को खूब सारा नाचे कूदें, सभी लोग गाना बजाना करें, कहीं ऐसी जगह जाएं क्लब्स में जहां पर पार्टीज होती है, अच्छी वाली, गंदी वाली नहीं, अच्छी वाली, आजकल तो रेन डांसेस होते हैं जहां पे जगह जगह फुहारे डाले जाते कलर के, वहां जाएं सभी लोगों के साथ मिलकर, पूरी पृथ्वी जैसे एक रंग में होकर, रंगमय हो जाती है वैसे हो जाएं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, होली एक ऐसा त्यौहार है जहां पर कोई किसी को नहीं पहचानता है, पूरी पृथ्वी एक रंग में रंग जाती है। होली अनजानों के साथ खेलने का त्यौहार है, अपनों के साथ खेलने का नाम नहीं है, इसलिए इस बार रास्ते पे निकल जाएं, जो अच्छे लोग दिखें उन लोगों से गले मिलें, अपने पड़ोसियों से गले मिलें, एक रंग में रंग जाएं और फिर देखें होली का ये त्यौहार आपके जीवन में कितनी खुशियाँ लेकर के आता है। कर लीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।